हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी चौरसिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस शेयर करने वाली हूं। वेल, वी ऑल नो दैट कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो स्टॉक सिलेक्ट करें जिसका अच्छा मोमेंटम हो। अदरवाइज हम कोई भी स्टॉक को महीने भर तक होल्ड भी कर लेंगे और स्टिल उसमें मूवमेंट ही नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर देखा जाए तो सेंसेक्स में और निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। अब उनमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टॉक में मूवमेंट अच्छी है, वॉल्यूम अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है या फिर वो ट्रेंड के साथ है कि नहीं है, जिसके थ्रू गाइज हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। वेल गाइज, आई नो ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बट आज के इस वीडियो में मैं आपके ये जो प्रोसेस को बहुत ही सिंपल कर दूंगी, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ्री स्कैनर शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप इजीली स्विंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें ट्रेड लेके आप इजीली महीने का प्रॉफिट टर्न कर सकते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी डीप एनालिसिस नहीं है, ना ही आपको कोई डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स पुट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैनर में जाके एक चीज देखना है जिसके बेसिस में आप सिंपली स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं इन जस्ट 2 मिनट, और उसमें ट्रेड करके आप महीने के 10 से 20,000 रुपीज तक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें और ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताती हूँ कि वो कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर सिंपली हम उन स्टॉक को देखेंगे जो कि अभी करेंट में मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेंड कर रहे हैं। मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड लेते ना गाइस, तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जब हम मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें हमें एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, और इससे जो ट्रेंड के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं तो उससे हमारे जो स्टॉप लॉस हिट होने के सिचुएशन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम वो स्टॉक सिलेक्ट करने वाले जो मार्केट में ट्रेंड के साथ हो और अपने 20 डेज के पीरियड से हाई हो। दैट मींस 20 डे का उनने जो उनका हाई है वो ब्रेक करा हुआ, तो आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा जिससे आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए गाइस मैं स्क्रीनर यूज़ कर रही हूँ, उस स्क्रीनर का नाम है चार्ट इंक स्क्रीनर। येस, ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है। आपको सिंपली जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डालना है गाइस 20 डे। देखिए यहाँ पर आप जब 20 डे हाई ब्रेकआउट डालेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो रही है चार्टिंग की। आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस टाइप का जो इसका इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री है, यहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। अब यहाँ पर कैश सेगमेंट के अंदर गाइज आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, हमें इतने सारे स्टॉक में से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको वो यहाँ पर देखिए आपको सेगमेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको बैंक निफ्टी के ट्रेड देखना है या फिर आपको निफ्टी 50 निफ्टी 100, यहाँ पर आपको प्रॉपर आ जाएगा कि किसके आपको देखना है। जैसे कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर वाले में चाहिए, फ्यूचर वाले में आपको वो स्टॉक मिलेंगे जिनमें हाई पोटेंशियल है। देखिए इस तरीके से ये ओपन हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर अब 9 स्टॉक है, अब 9 में से आप सबसे अच्छे कैसे देखें, तो आपको सिंपली वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। इसके थ्रू क्या होगा, जिनमें भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो स्टॉक अपसाइड आ जाएंगे। अब जैसे देखिए इसमें भी विप्रो आया है, अब देखिए यहाँ पर विप्रो हो गया, तो अगर आप विप्रो पे देखेंगे तो देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक अप आया, फिर डाउन गया और फिर ये अप जा रहे हैं। तो ये जनरली देखिए यहाँ पर ये जो है हायर लो बना रहा है, तो दैट शो कि यहाँ से जो ट्रेड है वो एक अप ट्रेंड के साइड में जा रहा है। देखिए मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस करके अप जा रहा है, तो आप यहाँ पर बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और इसमें जो आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जैसे कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो हमें सिंपली यहाँ पर आपको ट्रेड में जाना है, यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक सर्च करना है। देखिए यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन हो गया। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये अपने जो 20 डे का जो कंसोलिडेशन रेंज चल रही थी, उस कंसोलिडेशन रेंज से अपसाइड है। ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे देखिए इनकी वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, तो आप यहाँ पर इसमें ट्रेड ले सकते हैं, इसमें आपका जो प्रॉफिट के पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बहुत सिंपल हो जाता है, इसमें आपको वो स्टॉक मिलते हैं जिनमें हाई वॉल्यूम होती है, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है, इसमें ब्रेकआउट होने वाला होता है, तो इससे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से आपको
आपको स्टॉक देखना है कि यस ये वो 9 स्टॉक है, इन 9 स्टॉक को आपको एक एक करके मार्केट में पूरा एनालाइज करना है कि यस देखिए जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, विप्रो में जो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वेव्स बन रही है आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थर्ड है हमारा HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। देखिए HCL में भी जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थी, अब मार्केट में ब्रेकआउट हुई, एक बिग ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम भी इंक्रीज है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट पे वाई बिकॉज जो गैप अप और गैप डाउन है वो रेसिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो अब अगर मार्केट इस लेवल के अपसाइड जा रहा है ना तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। इसके अलावा आप दूसरा देख सकते हैं जैसे टेक महिंद्रा है, तो आप देखिए टेक महिंद्रा पे जाइए, जैसे देखिए हमने यहाँ पे टेक महिंद्रा ओपन कर लिया, टेक महिंद्रा में देखिए ये अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अपसाइड जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो एक छोटा कंसोलिडेशन रेंज थी ये उससे अपसाइड जा रहा है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनाई, वॉल्यूम भी इंक्रीज है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक में हमें सिग्नल मिल रहा है, विप्रो में हमें सिग्नल मिल रहा है, HCL में हमें एक मेजर रेसिस्टेंस लाइन है तो हम यहाँ अवॉइड करेंगे, हमें टेक महिंद्रा में हमारे एनालिसिस आई मीन जैसे हमें सिग्नल मिल रहा है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक में आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर मेजर सपोर्ट लेवल है, कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर आपको ट्रेड ले सकते हैं, वहाँ पर आप ट्रेड लीजिए, आप अपना टारगेट पुट कीजिए। हमेशा याद रखिए आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना है और स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग में बेस्ट होता है, जिस भी कैंडल पर आप ट्रेड लेना उस कैंडल के लो पर आपको स्टॉप लॉस पुट कर देना और उसके बेसिस में आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे कि इस पॉइंट पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है हमें निफ्टी 50 के ही स्टॉक मिले, ठीक है, तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 डाल देना है। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी टॉप के स्टॉक्स हैं उनके जो 20 डेज का जो ब्रेकआउट है वो वाले स्टॉक मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखें रन स्कैनिंग पे कर देना है, जब आप इसकी तरह स्कैन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ओवरऑल वो स्टॉक आ गए जो अभी मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, देखिए इस तरीके से। अब मैंने आपसे कहा था कि हमेशा आपको वो स्टॉक सेलेक्ट करना है जिनकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो। ओके गाइस, तो जब आप यहाँ पर रन स्कैन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टॉप जो स्टॉक है वो आ जाएंगे। अब देखिए इसमें आपको 5 स्टॉक दिए हैं, ये 5 स्टॉक वो हैं गाइस जिसमें हाई वॉल्यूम भी है, इनके प्राइस भी देखिए यहाँ पर आपको कोई भी पेनी स्टॉक नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको 5 स्टॉक मिल रहा है, अब आपको क्या करना है, इनके बेसिस में आपको ट्रेड नहीं ले लेना है कि यस अब ये हैं तो इसमें हम ट्रेड ले लेंगे, आपको जर्नली चार्ट में जाना है और इन पर रिसर्च करना है, दैट मीन्स इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है आपके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, जनरली यहाँ पर आप या तो वन डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं या फिर वन। अब देखिए चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से आपको इन 5 में से कहाँ पर ट्रेड लेना है या आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखिए सबसे पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, देखिए मैंने ऑलरेडी अल्ट्राटेक सीमेंट ओपन करा हुआ है। तो अब इसमें गाइस देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ऑलरेडी जो हमारा ट्रेड है वो अपने मूविंग एवरेजेस के अपसाइड जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस रेड कैंडल को क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बनी हुई है, मूविंग एवरेजेस को टच करके अपसाइड जा रहा है तो हम शो मान सकते हैं कि यस ये जो ट्रेड है वो अपसाइड जाएगा। तो इस कंडीशन में आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, देखिए यहां पर आपको सिग्नल मिल रहा है, यहां पर मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम रखा है, आप चाहे तो 1 डे का टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि 1 मंथ और 1 डे जनरली एक लॉन्ग टाइम फ्रेम शो करते हैं। अब जैसे सेकंड है हमारा सन फार्मा, हमें यहां पे जाना है, जनरली सन फार्मा टाइप करना है, देखिए सन फार्मा ओपन हो जाएगा। अब जो सन फार्मा है गाइस वो देखिए हम जैसे कि 1 डे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे सन फार्मा में आपको देख रहा है देखिए अगेन ये अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अपसाइड जा रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है, ग्रीन वॉल्यूम है तो ये जनरली शो करे कि यहाँ से जो ट्रेड है उसने अपने जो 20 डे का हाई है देखिए वो ब्रेक किया हुआ है तो आप जहाँ यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और ये भी अपसाइड जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर और भी आपको ट्रेड है वो मिल जाएंगे, जैसे विप्रो है, हम विप्रो पे चलते हैं, विप्रो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि विप्रो में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ जो कि शो कर रहा है कि यस यहां से ट्रेड अपसाइड जाएगा तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं विप्रो में, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल
स्क्रीनर है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीनर में जाना है। यहाँ पर आपको सेगमेंट में फ्यूचर सेलेक्ट करना है, और जब आप फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपके पास स्टॉक आ जाएंगे। ये वो स्टॉक होंगे जिनमें वॉल्यूम हाई होगी, ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग होंगे। इसमें आपको ईजीली वो ट्रेड मिल जाएंगे जिसमें जो हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल है, जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी अच्छा हो, मूवमेंट काफ़ी अच्छे हो, तो आप वो ट्रेड ले सकते हैं। ये स्क्रीनर एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सेफ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लॉग इन करके इसको सेव कर सकते हैं। सिंपली देखिए इस तरीके से मैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल वे है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो। स्टिल अगर आपको इस स्क्रीनर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। ओके गाइस, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से ये जो स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस है इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग इन ट्रेडिंग। ओके।